अल्लाह मेरी दौड़ तेरी तरफ है, चाहे मेरे काम मखलूक के रास्ते से बना या बरह रास्त बना, मैं इन मखलूक और मैं मोहताजों की पलटन के पीछे नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफा अम्मा बाद। आज हमने अल्लाह की तौफीक और उसके करम और एहसान से अल्लाह की पाक किताब में 11वां सिपारा सुना और 12वें का एक पाव सुना। सूरह तौबा का कुछ हिस्सा कल सुना था, बकिया आज सुना है। सूरत यूनुस पूरी सुनी है, उसके बाद सूरत हूद है, उसका कुछ हिस्सा सुना है। मुनाफिकीन में एक बड़े मुनाफिक थे, रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह इब्ने उबई। इनके बेटे जो थे वो मुखलिस सहाबी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अगर कहा मेरे बाप का इंतकाल हो गया है और आप अगर उनका जनाजा पढ़ा दे, हो सकता है अल्लाह ताला उन्हें बख्श दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुर्ता भी दिया, ये भी उसे पहना दो, क्योंकि बदर के जो कैदी थे उन कैदियों में रसूल पाक के चचा हजरत अब्बास भी कैद में थे। वो कदो कामत में बड़े थे, उनके लिए कुर्ते की जरूरत थी, तो इसी अब्दुल्लाह इब्ने उबई ने कुर्ता दिया था। अल्लाह के नबी ये चाहते थे कि मैं उसका मुकाफात और बदला दे दूं। और एक रिवायत में है आपने लुआब भी डाला और फिर जनाजा पढ़ाने खड़े हुए। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, या रसूल अल्लाह कुरान उतर चुका है कि मुनाफिकीन की बख्शिश नहीं, आप उनके लिए इस्तिगफार करें या न करें, चाहे 70 मरतबा भी आप इस्तिगफार करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं 70 से ज्यादा दफा करूंगा। बाहर कैफ अल्लाह के नबी ने उनका नमाज जनाजा पढ़ा दिया। बाद में कुरान करीम की आयत उतरी कि आप आइंदा किसी भी मुनाफिक का नमाज जनाजा न पढ़ें और ना ही उसकी कब्र पर खड़े हों और ना ही इनकी कभी बख्शिश होगी। अल्लाह ने ये आयत पहले नहीं उतारी, जनाजे के बाद उतारी। इसमें हिकमत ये थी कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम के मकारे में अखलाक दिखाने थे। वो जो कबीला खजरज के मुनाफिकीन थे, कह लगे हमारे सरदार ने इतनी तकलीफें नबी पाक को दी हैं, किसी ने भी इतनी तकलीफें नहीं दी और सख्त से सख्त इजाएं पहुंचाई, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी ने फिर भी उनका नमाज जनाजा पढ़ाया। आपके इन मकारे में अखलाक को देकर कबीला खजरज के, बुखारी शरीफ के हाशिए में है, कबीला खजरज के 1000 मुनाफिक कामिल मुसलमान बन। आगे अल्लाह ताला ने आराब और देहातियों के बारे में कहा, आराबी देहाती को कहते हैं कि देहाती दो किस्म के, एक वो उजड हैं जिन्हें नेकों की सोहबत नहीं मिलती और जो है इनके मिजाज में नमाज पढ़ते हैं तो हारे जी के साथ, जकात देते हैं तो दंड समझ हमारे ऊपर तवान पड़ गया। इनमें बहुत से ऐसे भी हैं जो मुनाफिक हैं और इस बात की तमन्ना करते रहते हैं कि मुखलिसीन मुसलमानों पर कोई आफत आए। हाँ, बाद ऐसे देहाती भी हैं
फरमाया कि वो मुखलिस हैं, वो नमाज भी बेहतरीन पढ़ते हैं और बल्कि वो कहते अल्लाह के नाम पर खर्च भी करते हैं ताकि अल्लाह का कुर्ब मिले और रसूल पाक हमारे लिए बख्शिश की दुआ कर। आगे अल्लाह ताला ने हजरात सहाबा इकराम की मनकबत बयान की, अस्साबिकून अलअव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबअहुम बिहसान। सहाबा के दो तबके हैं, मुहाजिरीन हैं, अंसार हैं, अल्लाह इन सब से राजी है और सबके लिए अल्लाह ने जन्नत का वादा किया, तो सारे सहाबा जन्नती हैं। एक जगह और अल्लाह ने फरमाया कुल्लम वाद अल्लाह अल हुस्ना, सबके लिए हमने जन्नत का फैसला किया सारे, अलबत्ता आपस में दर्जात हैं। अब एक खालिद इब्ने वलीद हैं, 7 हिजरी में मुसलमान हुए। इधर अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, जो 1 नबवी में मुसलमान हुए। दर्जे में जमीन आसमान का फासला। अल्लाह के नबी ने फरमाया आए खालिद तो ओहद पहाड़ के बराबर भी खर्च कर, अब्दुर्रहमान के आधा किलो जाओ के बराबर भी नहीं हो सकते। आपस में दर्जात जरूर हैं लेकिन सारे सहाबाए कराम जन्नती हैं क्योंकि रसूल पाक के तरबियत याफ्ता हैं। आप अलैहिस्सलाम उस्ताद कामिल हैं, इसलिए बाद बेदीनों ने तारीखी किताबें लिखी, उनमें सहाबाए कराम के मुशाजरात और झगड़ों के जिक्र किए और उस पर तबसरे करने शुरू कर दिए और हमारी बहुत सी नौनिहाल नस्ल को सहाबा से बजन किया। तो ये खतरनाक चाल है। पहला दर्जा कुरान का है, फिर दूसरा दर्जा हदीस का है, तारीख इसके बाद में देखी जाती है। इसलिए यह ऐसी मुज़क्का जमात है जो रसूल पाक ने तैयार की है और सबसे अल्लाह राजी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज का मौका आया तो तीसरा जमरा, जहाँ तीसरा शैतान कहते हैं, वहाँ पर 6 अंसारियों ने आपके हाथ पर बैत की, अहले मदीना ने। अगले साल 12 आए और कहा या रसूल अल्लाह मदीना मुनवरा में दीन फैल रहा है, 40 हो चुके, इसलिए कोई आदमी भेजें मदीना में इस्लामी तालीम, कुरानी तालीम दे। अल्लाह के नबी ने मुसअब इब्ने उमैर को उनके साथ भेज दिया। वहाँ गए और उनकी बरकत से कबीला अशहल के 500 आदमी इस्लाम में दाखिल हुए। अगला साल आया तो 72 आदमी वहाँ से आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा या रसूल अल्लाह आप हमारे साथ अब मदीना चले। आपके चचा हजरत अब्बास बैठे थे, मोहब्बत करते थे, अभी ऐलान नहीं किया था इस्लाम का। फरमाया तुम अगर मेरे भतीजे को ले जाओगे सारा अरब मुखालफत करेगा। उन्होंने कहा सारा अरब मुखालिफ हो, हमारी लाशों से गुजर कर अल्लाह के नबी तक आएंगे तो आएंगे, वरना हम आपकी हिफाजत अपनी जवान लड़कियों से भी ज्यादा करेंगे। इसलिए इस पर फिर कुरान की आयात उतरी इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। कहने लगे ऐ अल्लाह के नबी अगर हम आपके हाथ पर बैत करें, अपनी जानो माल आप पर लगा दे, हमें मिलेगा क्या? अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे लिए अल्लाह का मेहमान खाना जन्नत। ये वादा कुरान में भी है, इंजील और पिछली किताबों में भी है। खुशखबरी हासिल करो ऐ मुसलमानों, अल्लाह के साथ ये जानो माल हकीकत में दी हुई भी अल्लाह की है। फिर अल्लाह के नाम पर आदमी दे लगाए तो इस पर अल्लाह वो कीमती चीज दे रहे हैं जन्नत, जहाँ सदा की खुशियाँ। फरमाया किन सिफात वाले आदमियों को वह जन्नत मिलेगी, उसके लिए 10 सिफतें बयान की।
التائبون على عابدون السائحون على عامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. گناہوں سے توبہ کرنا، عبادت کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، عمل بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا اور روزے رکھنا، اور اللہ کے جتنی حدود ہے ان کا جو خیال کرے گا ان کے لیے اللہ نے اس مبارک جنت کا وعدہ کیا. آگے اللہ تعالی نے مسجد ضرار کا واقعہ بیان کیا. ایک ہوتا ہے ضرر، خود اپنا فیصلہ، اپنا نفع حاصل کرنا اور کو نقصان پہنچانا، یہ ضرر ہے. ضرار کے معنی دوسرے کو بھی نقصان پہنچانا، اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچانا. مدینہ منورہ میں ایک نیک صحابی رہتے تھے، اس کا نام ہے حضرت حنزلہ، جنہیں فرشتوں نے احد میں شہید ہو گئے تھے اور غسل دیا تھا غسیل الملائکہ کہتے. اس کا جو باپ تھا ابو عامر تھا، یہ پہلے کوشش میں لگا ہوا تھا کہ میں مدینہ کا چودھری بن جاؤں. اللہ کے نبی جب آئے تو سارے لوگوں کی دکانیں پھیکی پڑ گئی اور مدینہ منورہ میں کوئی انہیں پوچھتا نہیں. یہ اندر ہی اندر جلنے لگا اور اللہ کے نبی سے آ کر بحث مباحثہ کرنے لگا. اللہ کے نبی سے کہنے لگا کہ آؤ ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کر، اور جو ناحق پر آئے اللہ اسے دیار غیر اور کسی مسافرت کی اللہ گندی موت دے. آپ نے آمین کہی اور یہ آدمی بعد میں کافروں کے ساتھ ہر لڑائی میں رہا اور بعد کے اندر یہاں سے نکل گیا اور ملک کے روم میں چلا گیا. اور یہ مدینہ والوں سے کہا جو منافق تھے کہ تم ایک سازش کا اڈا بناؤ، نام اس کا مسجد رکھو. تو یہ جہاں مسجد قباء ہے، اس مسجد قباء کے ساتھ ایک مسجد ضرار بنائی گئی. اور یہ آئے اللہ کے نبی کے پاس کہنے لگے جی ہمارے بوڑھے آدمی مسجد قباء نہیں آ سکتے بڑھاپے کی وجہ سے، آپ مہربانی فرمائیں برکت کے لیے وہاں نماز پڑھا دیں. آپ نے فرمایا میں ابھی تبوک جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا پھر میں انشاءاللہ نماز پڑھاؤں گا. واپس آئے تو اللہ نے خبر دے دی یہ مسجد وغیرہ نہیں ہے، یہ سازش گڑھ ہے، یہ اپنی سکیم بنا رہے ہیں، یہاں اسلحہ اکٹھا کریں گے اور باہر ابو راہب کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے عامر ابن سکن اور حضرت وحشی دو صحابیوں کو بھیجا اور جا کر کہا اس کو آگ لگا دو، اور اس کو جلا دیا گیا. اللہ کے نبی نے حضرت عاصم ابن عدی سے کہا کہ یہ جگہ تم لے لو. کہنے لگا یا رسول اللہ ایسی منحوس جگہ میں کیسے لے سکتا ہوں، اکرم بن ثابت کو دے دیں. اللہ کے نبی نے اکرم بن ثابت کو کہا تم رہو، وہ رہے تو اس کی اولاد ہی نہیں ہوئی. بعد میں یہ حال ہوا کہ وہاں جب پرندوں نے گھونسلہ بنایا تو پرندوں نے بھی انڈے نہیں دیے، وہ منحوس جگہ تھی جو آج تک ویسے ویران پڑی ہوئی ہے مسجد ضرار کی. اللہ نے ان کا منصوبہ فیل کیا اور ابو عامر جو ہے وہ ذلت کی موت مرا. آگے اللہ تعالی نے جو صحابہ کرام تبوک سے رہ گئے تھے واپس اللہ کے نبی جب آئے ان میں 80 منافق تھے. وہ بہانے کرنے لگے میرا جانور بیمار تھا، کسی نے کہا میری کھیتی کا مسئلہ تھا، کوئی اور بہانے کرتا رہا، لیکن 3 سچے صحابی رہ گئے، کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربی. یہ 3 صحابی تھے. آئے کہا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے، ترسو جائیں گے، ایسے سستی ہوتے ہوتے رہ گئے، ہماری سواریاں بھی تھی نہیں گئے. اللہ کے نبی نے ناراضگی کا مسکرانا مسکرایا. کچھ دن رہے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اعلان آ گیا ہے ان 3 سے قطع کلامی کرو، کوئی بھی ان سے نہ بولے. وہ 2 تو بوڑھے تھے
और तीसरे जो थे ये काब इब्न मालिक जवान थे, कोई रिश्तेदार इनसे ना बोलता। मस्जिद में आते तो मुसलमान इसे सलाम ना करते, अल्लाह के नबी जवाब ना देते, ये रोते रहते थे इसी हाल में मर गया तो क्या बनेगा। फिर हुक्म आ गया कि बीवियों से अलहदा हो जाए। उन दोनों ने तो इजाजत मांगी कि हमें वैसे बीवी की जरूरत नहीं, लेकिन बूढ़े हैं, घर में खिदमत के लिए बीवी से खिदमत ले सकते हैं नहीं, खाने वगैरह की। और इनसे कहा कि तुम बीवी से जुदा हो जाओ। भाई काट हुआ और इन पर घोटन आई। ये तीनों कहते हैं हमारे ऊपर मदीना की जमीन तंग हो गई, हर वक्त ये रोते रहते थे। 50 दिन के बाद कुरान करीम उतरा, अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल की। रात का टाइम उतरा तो अल्लाह के नबी ने उम्मे सलमा से कहा, रात को वही नहीं सुनाते वरना जम घटा इकट्ठा हो जाएगा। सुबह दौर से पहाड़ी पर खड़े होकर और एक ने आवाज दिया, काब इब्न मालिक खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल की। तला बिन उबैदुल्लाह आगे गए, इन्हें मुबारकबाद दी। जिसने पहले खुशखबरी दी अपना कुर्ता उतार कर उसे दे दिया। अल्लाह के नबी ने जो है खुशखबरी वाली आयात पढ़कर सुना। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने 50 दिन के बाद मेरे लिए निजात की शक्ल पैदा की है, मैं ये सारा माल अल्लाह के नाम पर देता हूँ। आपने फरमाया, सारा ना दो, तिहाई माल दे दो, सारा माल ना दो। इसलिए फिर आपने दो हिस्से वरासा के लगाए, तिहाई दिया। और ये इन्होंने फैसला किया कि सारी जिंदगी कुछ भी हो जाए, झूठ के करीब नहीं जाऊंगा। इशारा तन के नए तन भी झूठ नहीं बोलोगे। अल्लाह ने ये इनाम दिया, जब ये मजलिस में आते थे तो इनके जिस्म से खुशबू आती और सारी मजलिस में खुशबू फैलती। आगे हमने सूरत यूनुस सुनी, उसके अंदर अल्लाह ने पहले कुफार से कहा, रसूल पाक की बात पर ताज्जुब करते हो, क्या पहले अंबिया नहीं आए? हर जमाने में अल्लाह नबी भेजते रहे और वो लोगों को डराते रहे, और जिन्होंने ईमान लाए इस नबी पर उनके लिए कदम सिद्क है। क्या माना? जन्नत आली है, बहिश्ते बरी है, अल्लाह का मेहमान खाना है। और कदम सिद्क में इशारा किया कि इनके पाओ में जो है साबित कदमी है और इखलास है। इस इखलास और साबित कदमी की वजह से अल्लाह इन्हें चमकाए। कई जगह पीछे भी आया, यहाँ भी आया, अल्लाह ने 6 दिन में जमीन और आसमान पैदा किया, कुछ नहीं था। अब ये आसमान और जमीन तो पैदा किए, तो जब सूरज ही नहीं है तो 6 दिन का कैसे पता? जैसे जन्नत में सूरज नहीं होगा तो इसी तरह वहाँ रोशनी के जरिए अंदाजा लगाएंगे अर्श की रोशनी से। इसी तरह मिकदार है, या तो 6 दिन से मुराद दुनिया के 6 दिन हैं, या मुराद है 6 दिन जो अल्लाह के हैं। और अल्लाह के यहाँ 1000 साल अल्लाह का, हमारा 1000 साल अल्लाह का 1 दिन बनता है। अल्लाह ने ये जमीन और आस कायम कायम किए, फिर अल्लाह अर्श पर कायम हुए। कायम होने के माने नहीं कि चढ़कर बैठ गए। अल्लाह गैर मुतनाही है, अर्श मुतनाही है, अल्लाह हमेशा से है, अर्श हादिस है, पैदा हुआ। माना यह है कि बादशाह ने तख्त संभाल लिया, क्या माना? सारी कायनात को कंट्रोल में कर लिया। अल्लाह ने सारी कायनात को कंट्रोल के अंदर किया। अल्लाह फरमा रहे, हमने सूरज पैदा किया, चांद, सूरज के लिए अल्लाह कह रहे हैं जिया, तेज रोशनी को कहते हैं, और चांद के लिए अल्लाह कह रहे हैं नूर, इसकी रोशनी मदम है। और चांद की मंजिलें हैं, सूरज की मंजिलें भी हैं, वो मुश्किल है, वो 365 मंजिलें, हर एक मालूम नहीं कर सकता। और चांद की 28 मंजिलें हैं। अल्लाह ने इंसानी लहू का ताल्लुक भी इससे रखा, औरतों को जो मेंसेस आते हैं उसका ताल्लुक भी इससे है, ज़कात का हिसाब भी चांद के महीनों से, हज का ताल्लुक भी चांद के महीनों से, सूरज के शमसी महीनों से, जनवरी फरवरी से भी हम काम लेते हैं, ले सकते हैं, लेकिन अक्सर हिसाब किताब अरबी महीनों का है। इसलिए अरबी महीने याद करना ये भी फर्ज़ किफ़ाया है। हमारी जो नई नस्ल है इन्हें पता भी नहीं,
कि शाबान कौन सा है, रबीउल अव्वल कौन सा है और जुमादिल उला कौन सा है, इसको याद करना, जकात का हिसाब अरबी के हिसाब से बनाना पड़ता है। 36 साल में जाकर ये फेरा पूरा होता है। इसलिए सहाबा कराम इकट्ठे हुए और कहा कि तारीख को कहां से शुरू करें। बादों ने कहा जब से नबुवत शुरू हुई, बादों ने कहा जब से रसूल पाक पैदा हुए, बादों ने कहा जब से मक्का फतह हुआ। आखिर हजरत उमर ने फरमाया हिजरत से बरकतें आई, हिजरत से। इसलिए हिजरत से हिजरी साल शुरू हुआ तो इससे ये इस्लामी तारीख 1443 साल गुजर चुके हैं हिजरत को, ये हिजरी साल चल रहे हैं। आगे अल्लाह ताला ने काफिरों की एक बात बताई। काफिर कहने लगे ऐसा कुरान लाए एते बे कुरान गैर हादा और बद्दल हो, ऐसा कुरान हो हमारा आपका समझौता हो जाए, उसमें शिर्क भी हो, उसमें हमारे बुतों की तारीफ भी हो, इस कुरान के अलावा कुरान रहे। जैसे कहते हैं आजकल कि जनाब ऐसा मजहब लाओ कि सारे मजाहब एक जैसे, भला इस्लाम में ये कैसे हो सकता है? तौहीद और शिर्क इकट्ठे हो जाएं, सुन्नत और बिदत इकट्ठे हो जाएं और इसी तरह हराम और हलाल इकट्ठे हो जाएं, पाकी और नापाकी इकट्ठे हो जाएं, ये तो गंदगी के साथ ये मजहब इकट्ठा हो ही नहीं सकता, कैसे हो? फरमाया तौहीद भी चले और ईमान भी चले, ये कैसे हो सकता है? फरमाया ये तो मेरी तसनीफ है, मैं बना के ला रहा हूँ, तुम मैं सारे मिल जाओ कुरान की एक सूरत के बगाबर ला चुका हूँ। कभी अल्लाह 10 सूरते कहते कभी एक सूरत, चैलेंज है कियामत तक। ये इंसानों का बनाया कलाम है नहीं, अल्लाह का बनाया कलाम। अल्लाह ने आगे कुरान की सिफतें बयान की, ये कुरान नसीहत नामा है और ये कुरान हिदायत है सरापा, और ये कुरान सीनों के राज, सीनों की गंदगी को खत्म करने वाला है। असल तो रूहानी बीमारियां उन्हें ठीक करने के लिए, लेकिन जिस्मानी बीमारियों के लिए भी कुरान मुफीद है। एक साहब ने कहा या रसूल अल्लाह गले में दर्द है, फरमाया फातिहा पढ़ो। एक साहब के सीने में दर्द हुआ, फरमाया फातिहा पढ़ो। एक साहब फकरो फाके में था, फरमाया सूरती इस पढ़ो। तो कुरान करीम जहरी बातरी दोनों बीमारियों के लिए शिफा का जरिया है। फरमाया अल्लाह की बड़ी नेमत है, कुल बिफज़लिल्लाह व बि क्या है, कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिक फलयफ़रहू, अल्लाह के फजल से खुश हो जाओ, अल्लाह ने ये तुम्हें नेमत कुबरा दी है। किसी जगह अल्लाह ने इतना खुशी का इजहार नहीं किया। आए मुसलमानों, जितनी खुशी मनाओ कम है। एक खुशी होती है गुनाह पर, ला तफरा इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फारिहीन, एक खुशी होती है गुनाह पर। आए कारून खुशी मत मना, ये माल तेरा नहीं है, ये माल अल्लाह ने दिया, गुनाहों पे लगा रहा है और अकल ना इतराना। और नेमत हो गई, नमाज पढ़ ली है, कुरान पढ़ लिया है, अच्छाई हो गई है, खुशी हो गई। फरमाए ये खुशी अल्लाह को पसंद, ये खुशी अल्लाह ताला को पसंद। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया जो औरों के लिए गलत तदबीरें करता है तो इसकी गलत तदबीरें इन्हीं गढ़ों में खुद गिरेगा, जो औरों के लिए गड़े खोदेगा। मन हाफर अलबीर ले अखी है वाकाफी, जो किसी और के लिए गड़ा खोदेगा कुआं इसी में खुद मरेगा, जो सकीमे बनाएगा औरों के लिए इन्हीं सकीमे में खुद आएगा, जो जुल्म करने वाला है बद अखलाकी करने वाला है फरमाई अल्लाह की पकड़ में आएगा। इसलिए जो मंसूबे बनाते हो तुम अल्लाह के और बंदों के खिलाफ इन्हीं मंसूबे में खुद पकड़े जाओ। वा मकरू वा मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, एक तुम तदबीर करते अल्लाह तदबीर करते हैं, अल्लाह की तदबीर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम
और फिर मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरे अल्लाह, जब बनी इसराइल ने कहा हमें नमाज नहीं पढ़ने देता, कहा नमाज पढ़े गिरजों में तो नहीं पढ़ने देता, पर मैं घरों को अपना अपनी मस्जिद बनाओ, तवक्कल इख्तियार करो, वहाँ किबला बनाकर वहाँ अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह जालिम को पकड़ेगा, इसका वक्त करीब आ रहा है, तुम सबर करके चलो। और ये दुआ मांगी, मेरे अल्लाह कमजोर मुसलमान इसके माल को देखकर राल टिपकाते हैं, मिस्र से लेकर और हबशा तक सारी सोने की काने थी, जमुर्रद की काने थी, और ये माल पर इतराता था। रब्बना तमिस अला अम्वालिहिम वश्दुद अला कुलूबिहिम, ऐ अल्लाह इनके सारे माल तो सारे मसक कर दे। अल्लाह का अजाब आया, सारी सब्जियां, सारे फल, सारे माल, सारे दीनार, सारे दिरहम, सारे जमुर्रद अल्लाह ने पत्थर के बना। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के पास वो अंडे आए और वो बादाम लाए गए, फिरौन के जमाने के पत्थर के बने, अल्लाह ने पत्थर के बने। और फिर अल्लाह ने पकड़ा बुहीरा कुलदम में, फरमाया तेरे जिस्म को हमने निजात दी, इबरत के लिए तेरा जिस्म रखा, आज तक उसका जिस्म पड़ा है। और मिस्र में हर साल मार्च के महीने में निकालते हैं, इसके जिस्म में बोटियां ऊपर हो जाती है और बाल भी बढ़ जाते हैं, चूहे छोड़े जाते हैं, चूहे उसके जिस्म को खाते हैं। इबरत के लिए अल्लाह ने इसकी लाश को आज तक रखा। फरमाया कहने लगा अब ईमान लाता हूँ, फरमाया अब तो ईमान लाता है, अब ईमान लाता है जब तूने आखरत को देख लिया। आगे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा है, ये इंशाअल्लाह सूरत अंबिया आएगी, सूरत अंबिया में इसको बयान करेंगे। दो बातें रह गई सूरत हूद की, शुरू में सूरत हूद के अल्लाह ने फरमाया वमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला लिल्लाहि रिज़्क़ुह, कोई जानवर नहीं है जिसकी रोजी का सफर या हदर का फैसला अल्लाह ने करना था। माँ के पेट में क्या खाएगा, बाहर कितना होगा, सफर में कितना है। फरमाया जमीन और आसमान के पैदा करने से 50,000 साल पहले, बैठ जाओ बेटा, 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने जो है ना फैसला कर दिया रोजी का, घबराओ नहीं। अशरी आए, खैमा लगाया, भूख लगी, क्या करें? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी के पास जाओ। एक आदमी आया, अल्लाह के नबी यही आयत पढ़ रहे थे हुजरे के अंदर, वमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला लिल्लाहि रिज़्क़ुहा यअलम मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, हर जानवर की चौपाई की रोजी अल्लाह के जिम्मे। अब मांगा नहीं, चुप करके चले गए कि मांगा है कि हाँ अल्लाह के नबी ने कहा खाना आ जाए। अल्लाह की शान, किसी और जगह से कोई थाल में जो है गोश्त और रोटियां लाया, मजमे ने समझा जो लश्कर आया हुआ था, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ने भिजवाई, इन्होंने खाया, वो खाना वैसे बरकत, खुद खाया, रोटियां भी बच गई, गोश्त भी बच गई, कहा रसूल पाक को वापस कर, अल्लाह के नबी को देने आए। फरमाया या रसूल अल्लाह, बड़ा बेहतरीन गोश्त, शानदार रोटियां थी। फरमाया कौन सी, तुझे आपने भेजी? फरमाया मैंने तो कोई नहीं भेजी। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे किस्से, फरमाया अल्लाह ने भी, अल्लाह ने रोजी भी दी। मूसा अलैहिस्सलाम को हितूर पर गए, अल्लाह ने नबुवत दे दी, पीछे बीवी को दर्द सहता, ख्याल आया बीवी का क्या बनेगा, अल्लाह ने फरमाया पत्थर पर असा मारो, मारा टूट गए। एक और पत्थर निकला, फरमाया इस पर मारो, वो टूट गया। फरमाया एक और पत्थर निकला, इस पर मारो, वो टूटा। अंदर से कीड़ा निकला, उसके मुंह में सब्ज घास। फरमाया कौन रोजी दे रहा है कि अल्लाह आप? फरमाया रोजी तो देने वाले हम। अल्लाह ने बड़ी कुव्वत के साथ नूह अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया, कमाल का, और सारी कौम नूह अलैहिस्सलाम के साथ है। कौम में कोई 100 साल का, कोई 200 साल, कोई 300 साल, 950 सदियां रहे। अल्लाह ने आखिर में बता दिया आए नूह, जिन्होंने ईमान लाना था ला चुके हैं, अब ये कमीने ईमान ने ला।
और ये कहते थे आप पर जो ईमान लाए हैं ये अर्जल और रद्दी हैं और ये कमी किस्म के लोग हैं, इनको हटा दो। फरमाया मैं कौन हूँ हटाने वाला, इन्हें तुम रजील कहते हो। रजील वो होते हैं जो अपना दीन बर्बाद करे, रजील वो है जो दूसरे की दुनिया बनाए अपना दीन बर्बाद करे। बाद उन्होंने कहा रजील वो है जो सहाबाए कराम को बुरा कहे। फरमाया तुम ईमान वालों को रजील कहते हो। अल्लाह ने हुक्म दिया कि कश्ती बनाओ 300 गज लंबी, 50 गज चौड़ी और 30 जो है हाथ ऊंची, और फरमाया इनके अंदर तुम बनाओ। अब कश्ती बनने लगी। अल्लाह ने हर नबी से अल्लाह ने फन का काम भी लिया, खेती बाड़ी का काम आदम अलैहिस्सलाम से लिया, अल्लाह ने बड़ाई का काम नूह अलैहिस्सलाम से लिया, कपड़े का काम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लिया, नज्जारी का काम यहया अलैहिस्सलाम से लिया, लोहे का काम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से लिया। ये कश्ती थी, अल्लाह ने फरमाया अब पानी निकलेगा तन्नूर से। ये तन्नूर से पानी फूटा और इतना फरमाया हमने आसमान और जमीन को छल्ली कर दिया, इतना पानी आया। फरमाया दुनिया का जो सबसे ऊंचा पहाड़ था उससे भी 40 हाथ पानी ऊपर थे। ईमान वाले 40 मर्द 40 औरतें कश्ती, वो जानवर भी जो पानी में जिंदा ना रह सके वो भी कश्ती, और कश्ती 6 महीने ऊपर रही पानी की, जूदी पहाड़ पर उतरी। दरमियान में 3 बेटे मुसलमान थे, एक बेटा किनान काफिर था। उसके लिए दुआ मांगी, अल्लाह ने फरमाया इसका किरदार सही नहीं है, दोबारा सवाल ना कर, दोबारा न कर। साम हम याफिस से फिर अल्लाह ने औलाद को चलाया, ये सारी की सारी नस्ल फिर नूह अलैहिस्सलाम के औलाद से चली। अब आखिरी लफ्ज सुने, आए प्यारे नबी आपको और आपकी उम्मत को ये वाक्य कौन सुना रहा है, हजारों साल पहले की तारीख कौन सुना रहा है, ये सच्चे वाकयात आप बर्दाश्त करें, न डरे इन काफरों से। एक वक्त आएगा आपका दीन फैल कर, ये फैल कर रहेगा। वला के बदले तकवा, हम इन वाकयात किस लिए सुनाते हैं ताकि तुम्हारा हौसला बढ़ जाए कि पिछले नबियों ने कितनी कुर्बानी दी। या वलद वलीद व या आखिर अल आखिरीन या राहिम अल मसाकीन या ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم। अल्लाह हमारी तरावी कबूल कर, हमारा रमजान कबूल कर, सहरी इफ्तारी कबूल कर, ऐ अल्लाह 8 दिन के रोजे कबूल कर, हमारे सारे रोजे कबूल कर। या अल्लाह आगे हिम्मत दे, आगे सेहत भी दे, घर वालों पर भी रहमत बरसा, बच्चों पर भी रहमत बरसा, जितने रमजान की कदर कर रहे हैं उनकी झोलियां भर दे, जो रमजान में नकदरी कर रहे हैं इन्हें तौबा की तौफीक दे, इन्हें तौबा की तौफीक दे, कुरान से दिल लगाने वाला बना, हमारे हौसले हिम्मतें बढ़ा, हमारा कोई नेक काम ऐसा ना हो जो रह न जाए, हर शर को दूर कर, हर परेशानी दूर कर, जिंदगी में बरकत दे, माल में बरकत दे, इल्म उम्र में बरकत दे। ऐ अल्लाह हमारे बड़ों की बख्शिश कर, हमारे बड़ों की बख्शिश कर। वसल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह मेरी दौड़ तेरी तरफ है, चाहे मेरे काम मखलूक के रास्ते से बना या बरह रास्त बना, मैं इन मखलूक और मैं मोहताजों की पलटन के पीछे नहीं चलता।